हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर टू। चैप्टर नंबर टू यूनिट वही है बेटा, नेशनल इनकम। चैप्टर का नाम है बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज बेटा हमने बस एक डेफिनेशन करनी है, एक घंटे में कुछ नहीं करना और, ठीक है जी। और डेफिनेशन का एनालिसिस करना है बेटा, बहुत अच्छे से डेफिनेशन करनी है, बस एक घंटा लगाना है बेटा सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर। चलो जी प्यारे बच्चों, स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन। सब सामने देखेंगे मेरी तरफ, बस अभी कुछ नहीं चाहिए, नोट्स नोट्स सारी डेफिनेशन यही लिखूंगा, बस आपको बाद में याद करा के भेजना है, मेरी जिम्मेदारी इतनी है, ठीक है जी। डोमेस्टिक टेरिटरी बेटा, हमारे कोर्स में ना डोमेस्टिक टेरिटरी इसकी डेफिनेशन है। अब बाबू पहले तो मैं इस इंपॉर्टेंस बता दूं कि हमें डेफिनेशन याद ही क्यों करनी है, क्योंकि वरना बच्चे को लगता है कि इसकी क्या अहमियत है, क्यों याद करनी है इसको। बाबू देखो, अगर कोई चीज डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी इंडिया की, तो उसमें एक्रियू होने वाली इनकम मानी जाएगी कि वो डोमेस्टिक इनकम है, ठीक है ना। और अगर वो डोमेस्टिक इनकम मानी जाएगी तभी इंडिया को टैक्स मिलेगा, समझ में आई बात। अगर मैं किसी चीज को मानूंगा डोमेस्टिक टेरिटरी है ये, तभी तो उसमें कमाई जाने वाली इनकम मेरे देश की इनकम है, तभी तो बेटा जाके मुझे टैक्स मिलेगा उस चीज के ऊपर, ठीक है ना। तो ये अहमियत है डोमेस्टिक टेरिटरी की। और आपको बता देता हूं बेटा, जब आप इको का कोई भी कंसेप्ट पढ़ते हैं ना, तो आपकी जनरल सेंस फेल हो जाती है यहां पर, ठीक है ना। हमारी जनरल सेंस तो बेटा इतना छोटा सा सोचती है, और इन्होंने पता नहीं क्या क्या दुनिया जहान की चीजें सोची हुई होती है, ठीक है जी। लो प्यारे बच्चों, देखते हैं आपकी जनरल सेंस और बेटा इको के कंसेप्ट में कितना डिफरेंस है, ठीक है ना। आपकी जनरल सेंस बस यहीं खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। वैसे बता देता हूं, डोमेस्टिक टेरिटरी की जो डेफिनेशन है, इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, ठीक है ना। ये कहता है डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स कुछ ना कुछ बात कहेगा, एंड इंक्लूड्स कुछ ना कुछ बात यहां कहेगा, एंड डज नॉट इंक्लूड, ठीक है ना। तो तीन अलग अलग बातें हैं बेटा, ठीक है ना। जहां तक आपकी जनरल सेंस कहती है वो बेटा मींस पोर्शन में ही खत्म हो जाएगी। डोमेस्टिक टेरिटरी मींस पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ एनी कंट्री, पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री। बाबू आपकी जनरल सेंस भी यही कहती है कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है बेटा, किसी देश का पॉलिटिकल फ्रंटियर। पॉलिटिकल फ्रंटियर मतलब कुछ और नहीं बेटा, ज्योग्राफिकल बाउंड्री। यही तो कहती है हमारी जनरल सेंस भी, ठीक है ना, कि इंडिया क्या है, इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री उठा के देख लो, बस यही इंडिया है, ठीक है ना। आपकी तो जनरल सेंस यही कहेगी ना बेटा। बाबू पर फिर मैं बोल रहा हूं, जनरल सेंस फेल है, फेल बिल्कुल, किसी बात पे भी नहीं आने की जनरल सेंस, ठीक है जी। बाबू बढ़ते हैं आगे, एंड इंक्लूड्स। अब यहां से बेटा काम की बात शुरू हो जाएगी और एनालिसिस भी बहुत काम के चलेंगे, ठीक है जी। पहले मैं बात लिखूंगा फिर समझाऊंगा। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट Owned and operated by normal resident between two or more countries. लो प्यारे बच्चों, पहले वर्ड से ही एनालिसिस शुरू करेंगे, ठीक है ना। वर्ड लिखे हैं शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। ऑल दो बेटा देखो, लॉ की यहां पर मैं अगर लिटरली पढ़ूंगा ना, तो फिर मैं कहीं ना कहीं कोई गलती कर रहा हूं बेटा, तो पर्पस ऑफ इंटरप्रिटेशन सोचना। वैसे बता देता हूं, ये वर्ड और ये वर्ड किसी भी एंगल से मेल नहीं खाते एक दूसरे के साथ। वजह बता देता हूं बेटा आपको। देखो बाबू, अगर आप एयर रूट से ट्रैवल कर रहे हैं, आप मतलब ह्यूमन बीइंग ट्रैवल कर रहे हैं बेटा, तो हम जब ट्रैवल करते हैं बेटा, हम एरोप्लेन से ट्रैवल करते हैं। वर्ड कभी भी एयरक्राफ्ट नहीं बोला जाता जब ह्यूमन बीइंग ट्रैवल करता है तो, ठीक है जी। और बेटा अगर गुड्स ट्रैवल करते हैं, तो एयर रूट से गुड्स जा रहे हैं बेटा एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो वर्ड बोला जाता है एयरक्राफ्ट। यानी कि ह्यूमन बीइंग ट्रैवल करता है एरोप्लेन से, लेकिन बेटा गुड्स ट्रैवल करते हैं बेटा एयरक्राफ्ट से। तो दोनों में अंतर है बेटा, बात समझ में आई कि क्या चीज है बेटा एरोप्लेन और क्या चीज है एयरक्राफ्ट। ऐसे ही बेटा अगर मैं बात करूं मरीन रूट की, ठीक है ना, मरीन रूट में अगर बेटा ह्यूमन बीइंग जा रहे हैं, तो ऐसा बोला जाता है शिप से जा रहे हैं, ठीक है ना। और अगर गुड्स जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं बेटा, वो वेसल से जा रहे हैं। गुड्स के लिए कभी वर्ड शिप नहीं लगाया जाता,
वरना भाई साहब मैं क्या बोलूं, 11th क्लास एनसीईआरटी बिजनेस स्टडीज उठा के देख लो, 10 जगह लिखा होगा शिप से जा रहे हैं, गुड शिप से जा रहे हैं, ठीक है ना। मतलब गलतियों की सीमा नहीं है बेटा, ठीक है ना। गुड्स हमेशा वेसल से ट्रैवल करते हैं, इंसान ट्रैवल करता है शिप से। अब एक बात सोचो, इन्होंने वर्ड क्या लिखा, एक तरफ लिख दिया शिप और दूसरी तरफ लिख दिया एयरक्राफ्ट, यानी कि यहां तो बात हो गई ह्यूमन बींग की और यहां बात हो गई गुड्स की। तो मैंने तभी कहा था बेटा ये दोनों वर्ड आपस में मेल नहीं खाते। बाबू आपने क्या सोचना है, शिप इटसेल्फ इंक्लूड वेसल, एयरक्राफ्ट ऑल्सो इंक्लूड एरोप्लेन, बस भूल जाओ। अब जो लॉ ने गलती कर दी तो कर दी, लेकिन आपको तो करेक्ट मीनिंग पता है, तो आप मतलब मान के चलो शिप मतलब यहां पर वेसल भी है, शिप भी है, और एयरक्राफ्ट मतलब एयरक्राफ्ट भी है और एरोप्लेन भी है, ठीक है जी। बाबू चलो जी अब डेफिनेशन को आगे बढ़ाते हैं बेटा, एंड इंक्लूड्स शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन टू और मोर कंट्री। बेटा हमें ना ज्यादा आसानी से डेफिनेशन तब समझ में आएगी जब मैं सारा एंगल इंडिया का दूंगा, ठीक है ना। तो मैं हर एक चीज को ना इंडिया का एंगल देना शुरू कर दूंगा। वैसे बता देता हूं, इट इज अ कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, किसी इंडिया का कंसेप्ट नहीं है ये। यानी कि ऑस्ट्रेलिया में भी जाके डेफिनेशन पढ़ोगे ना बेटा डोमेस्टिक टेरिटरी की, डेफिनेशन वहां पर भी यही है। दुनिया की जिस मर्जी कंट्री में जाके डेफिनेशन पढ़ लेना, डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन यही नजर आएगी बेटा, ठीक है जी। अब बेटा क्योंकि इंडिया से हमें ज्यादा प्यार है, ज्यादा अच्छा समझ में आता है बेटा, तो एंगल वही देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कहता है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट अगर उसका ओनर और उसको ऑपरेट करने वाला इंडिया का रेजिडेंट है, चाहे बेटा वो शिप किसी भी दो देश के बीच में, चाहे वो एरोप्लेन किसी भी दो देश के बीच में, चाहे वो एयरक्राफ्ट किसी भी दो देश के बीच में, या बेटा कोई भी वेसल किसी भी दो देश के बीच में, बस बेटा शर्त क्या है, उसका मालिक और उसको ऑपरेट करने वाला कैप्टन हो सकता है बेटा या पायलट हो सकता है, बस वो इंडियन होना चाहिए। दो ही शर्तें, ऑनर और ऑपरेटर इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट हो, चाहे वो वेसल, चाहे वो शिप, चाहे वो एरोप्लेन, चाहे वो एयरक्राफ्ट किसी भी दो देश के बीच में हो। एग्जाम्पल के तौर पे एक बात बेटा, एयर इंडिया की फ्लाइट है, एयर इंडिया की फ्लाइट है बिटवीन सिंगापुर टू मलेशिया, एयर इंडिया की फ्लाइट उड़ रही है सिंगापुर टू मलेशिया। अगर बाबू हमारी जनरल सेंस देखी जाए ना, तो कोई इंसान नहीं होगा जो कहेगा सिंगापुर और मलेशिया के बीच में इंडिया कहां से आ गया, इंडिया की कहां से डोमेस्टिक टेरिटरी होगी। मैं बोल रहा हूं एयर इंडिया की फ्लाइट है, और मान लो कैप्टन जो है, सॉरी पायलट जो है बेटा, वो इंडियन है। एयर इंडिया तो बेटा ओन्ड बाय, पता होगा देश की कंपनी हमारी, पीएससी हुआ है बेटा, ठीक है ना बाबू। तो ये तो पता है कि मालिक इंडियन है, मैं कह रहा हूं अगर पायलट भी इंडियन है, चाहे वो फ्लाइट किसी भी दो देश के बीच में क्यों ना है, इट इज कंसीडर्ड एज द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्या हमारी जनरल सेंस कभी सोच सकती है कि सिंगापुर से फ्लाइट उड़ी है और अभी मलेशिया पहुंची नहीं है, बीच में फ्लाइट है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। और अब आप सोच रहे होंगे यार इसको डोमेस्टिक टेरिटरी बनाने का पर्पज क्या है, बेटा फ्लाइट में सेल नहीं होती, सेल ऑफ गुड्स नहीं होता, सेल ऑफ सर्विसेज नहीं होता। सर होता है सेल ऑफ सर्विसेज, तो बेटा अगर सेल ऑफ गुड्स हो रहा है वहां पर या सेल ऑफ सर्विसेज हो रहा है, क्योंकि उसको डोमेस्टिक टेरिटरी मान लिया गया, इसलिए बेटा अगर उसके बीच में अगर आपको इनकम कमा रहे हो, इट इज कंसीडर्ड एज द डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया, दैट मीन्स टैक्सेस विल एक्रू टू द इंडियन गवर्नमेंट। उसके टैक्सेस ना तो सिंगापुर गवर्नमेंट को मिलेंगे, ना ही मलेशियन गवर्नमेंट को मिलेंगे, किसको मिलेंगे, इंडियन गवर्नमेंट को मिलेंगे। क्या चीज, तो फिर बेटा जिस भी टैरिट, जिस भी एरिया के ऊपर आप होंगे वहीं की ही कंसीडर की जाएगी। फिर तो बेटा देखो अगर आप कहोगे कि मैं यहां में कहीं नहीं आता, तो फिर बेटा नॉर्मल डेफिनेशन में आते हो, पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ कंट्री। फिर तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है, पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ एनी कंट्री, जिस कंट्री के ऊपर होंगे बेटा उसी को जाएगी इनकम। हाँ बाबू शर्त में तो दो वर्ड है ना, ओन्ड एंड ऑपरेटेड, वर्ड और तो नहीं लिखा ना, दोनों मुझे तो दोनों शर्तें पूरी करनी है, दोनों शर्तें पूरी करोगे तब जाके ये इंडिया की बनेगी। दोनों शर्तें पूरी नहीं है बेटा फिर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों प्लेन रीड नहीं कर सकते आप। क्लियर हो गई बात, देख लो बेटा कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं, बढ़ जाए आगे। बाबू एक बात हमेशा ध्यान रखना, अभी क्योंकि क्या होगा डेफिनेशन याद भी करा दूंगा रटवा भी दूंगा, हमें कभी भी जनरली पूरी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती,
हमें तो बेटा क्या होता है, 5-7 पॉइंट दे दिए जाते हैं आपको आइडेंटिफाई करना है ये किस देश की डोमेस्टिक टेरिटरी है। बाबू जैसे कि अभी क्वेश्चन ये राधिका पूछ रही थी, अगर कभी ये वर्ड हटा दे तो ये कह दे सिर्फ ऑपरेटर इंडिया का है, ऑनर इंडिया का नहीं है, दैट मीन्स आप इस वाले पोर्शन में नहीं आ रहे ना, फिर आप सिर्फ इस लाइन पे सोचो सब चीजें कि कहां पर लोकेटेड है बेटा वो एयरक्राफ्ट, फिर तो वहीं से कहानी बनेगी सारी की सारी। ठीक है जी, तो बेटा डोमेस्टिक टेरिटरी मींस पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ एनी कंट्री, पॉलिटिकल फ्रंटियर मींस कुछ और नहीं ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ एनी कंट्री, ठीक है ना। इंडिया क्या है बेटा, आप भी कहते हो इंडिया का मैप उठा के देख लो, यही जे ज्योग्राफिकल बाउंड्री, बस यही इंडिया, ठीक है ना। लेकिन ये जनरल सेंस है बेटा, एंड इंक्लूड्स शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, ठीक है ना। अगर बेटा शिप या एयरक्राफ्ट का ओनर और ऑपरेट करने वाला इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है, फिर चाहे बेटा वो शिप या एयरक्राफ्ट कहीं मर्जी हो दुनिया के किसी कोने में, मतलब हमें कोई मतलब नहीं बेटा, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है, उससे मिलने वाली इनकम डोमेस्टिक इनकम है, उससे मिलने वाला टैक्स इंडियन गवर्नमेंट को जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़ जाए आगे। लो प्यारे बच्चों, बाबू सेकेंड पोर्शन इंक्लूड का फिशिंग वेसल ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट इन द इंटरनेशनल वॉटर, इन द इंटरनेशनल वॉटर वेयर दे हैव द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन। लो प्यारे बच्चों, बाबू जितनी फर्स्ट पॉइंट में बातें समझने वाली थी उससे ज्यादा सेकंड में, इसको संभालना बहुत आराम से, ठीक है जी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन उम्मीद करो आप। बेटा बात कर रहे हैं, तीन बातें लिखी गई हैं, फिशिंग वेसल ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, और अगर बड़े ध्यान से वर्ड देखोगे तो यहां सिर्फ वर्ड ऑपरेटेड है। बच्चे के दिमाग में ना इतनी जल्दी होती है, इतनी जल्दी होती है कि उसको लगता है अच्छा यहां भी ऑन एंड ऑपरेटेड था, चलो यहां भी यही होगी बात, यहां ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है ना। यहां वर्ड लिखा सिर्फ ऑपरेटेड, ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट इन द इंटरनेशनल वाटर वेयर दे हैव द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन। अब बेटा मतलब समझते हैं इसका बहुत आराम से। सबसे पहले बेटा मेरी चर्चा स्टार्ट होगी इंटरनेशनल वाटर से, जब ये वर्ड क्लियर कर दूंगा बेटा फिर बढ़ेंगे हम आगे। बाबू क्या चीज होती है इंटरनेशनल वाटर समझना, ऑल दो माई ड्रॉइंग इज वेरी वेरी पुअर, ठीक है ना, भूल जाओ। ये मान लो इंडिया का नक्शा है बेटा, बिल्कुल नीचे से, ठीक है ना। बाबू आपको पता है जब आप सी को मेजर करते हो या मरीन को मेजर करते हो तो बेटा एक टर्म में मेजर करते हो नोन एज न्यूटिकल माइल्स, ठीक है ना। बाबू आपको बता देता हूं, इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री से अगर आप 12 नॉटिकल माइल तक आगे बढ़ो तो बेटा 12 नॉटिकल माइल, इस टर्म को बोलते हैं TWI, TWI मतलब टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, और अगर हम 200 नॉटिकल माइल तक आगे बढ़े इस टर्म को हम बोलते हैं बेटा EEZ, EEZ क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है ना। आपने कभी ना कभी टर्म पढ़ी है इकोनॉमिक्स में SEZ, पढ़ी है ना बेटा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, नहीं पढ़ी, पढ़ी इंडिया के अंदर ही कुछ बेटा एरिया को आप आइडेंटिफाई करते हो एज SEZ। SEZ क्या करते हैं बेटा, ऐसा माना जाता है जब आप SEZ को गुड्स बेचते हो कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि SEZ का काम होता है एक्सपोर्ट करना, इसलिए कभी भी जब आप SEZ को गुड्स बेचते हो टैक्सेस चार्ज नहीं करते, SEZ का काम होता है बेटा। SEZ में जितनी फैक्ट्री लगी होती है एक कतरा भी इंडिया में नहीं बेच सकती, कचरा भी इंडिया में नहीं बेच सकती, वो सब कहां बेचते हैं, सब ही एक्सपोर्ट करते हैं, उन्हें हम SEZ बोलते हैं। ये एक टर्म, दूसरी है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स। बेटा 200 नॉटिकल माइल तक बता देता हूं इंडिया ही है,
किसी भी देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री से 200 न्यूटिकल माइल तक बेटा वो देश ही है, और उसके बाद शुरू होता है बेटा इंटरनेशनल वाटर, मतलब पतंजलि नहीं। हाँ जी बेटा, 200 न्यूटिकल माइल के बाद स्टार्ट होता है बेटा इंटरनेशनल वाटर। बाबू जनरल नॉलेज के लिए एक बात, बस 1 न्यूटिकल माइल इज इक्वल्स टू 1.852 किलोमीटर, ठीक है ना। एक न्यूटिकल माइल में 1.852 किलोमीटर होते हैं, ठीक है ना। अभी आपको पता है क्या लग रहा होगा, मैं आपको बताता हूं। अब दिमाग में ना हजारों क्वेश्चन उठ रहे होंगे, एक बार तो फटाफट से क्वेश्चन उठ रहे होंगे, नई नई बातें दिमाग पूछ रहा होगा कि ये इंडिया मानने की क्या जरूरत थी 200 न्यूटिकल माइल तक। देखो नॉर्मली इंसान को यही लगता है, जब तो बड़ी लैक ऑफ नॉलेज होती है ना, तो इंसान को लगता है इसको इंडिया मानने की क्या जरूरत थी। सर आप सोच भी नहीं सकते, पूरे इंडिया में से इतना धंधा नहीं होता जितना इस 200 न्यूटिकल माइल में होता है। सारी नेचुरल गैस कहां से मिलेंगी, यहीं से। सारा पेट्रोल कहां से मिलेगा, यहीं से। क्रूड ऑयल सब यहीं से मिलेगा बेटा, पूरे इंडिया में इतना धंधा नहीं होता होगा जितना बेटा इस 200 न्यूटिकल माइल के अंदर होता है। तब इसका नाम है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, इकोनॉमिक जोन्स। ऐसी बात नहीं है दूसरी, पूरे देश में भी नहीं होती ऐसी बात, ठीक है ना। और बेटा बाद की जगह क्या है, सब इंटरनेशनल वाटर है, ठीक है जी। क्या बेटा इंटरनेशनल वाटर में राइट्स खरीदे जा सकते हैं? यस बेटा, ये मत सोचना कि यहां पर कोई ऑपरेट नहीं कर सकता बेटा, ये राइट्स बिकते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये अधिकार बेचती है, पैसे चाहिए उनको। तो मैं कहता हूं बेटा चांद तक पे प्लॉट काट दिए, तो आप क्या उम्मीद करते हो ये राइट नहीं बेचती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? पता तो होगा भाई यार, सबको पता है ना, एक बंदा तो चला गया जिसका था, सुशांत सिंह राजपूत, ठीक है ना। शाहरुख खान को भी उसके एक फैन ने गिफ्ट किया हुआ है बेटा, ठीक है ना। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आप सबसे भी बड़े हो के आप मुझे गिफ्ट करें, ठीक है। वैसे तो खैर मैंने मैच कैंप भी छोड़ के नहीं जाने वाला। अरे मैं कह रहा मैं कैंप नहीं छूटता, तू बातें कर रहा, ये तो सब इमेजिनरी दुनिया है, करना कुछ नहीं भाई, जाना ही नहीं यहाँ से, ठीक है जी। ऐसे मतलब सारा काफी सारा पानी, मतलब काफी सारी कंट्रीज ऑक्यूपाई कर रहे, तो कुछ जो एरिया बच जाता होगा पानी ऐसा, वो सारा ही बचता है भाई। 200 न्यूटिकल माइल कितना सा होता है भाई, 370 किलोमीटर नहीं, काफी से जो बचेगा वहां से, मतलब अगर जैसे इंडिया कोई वहां से भी ऑयल वगैरह कुछ निकाल रहा है, तो यही तो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी वहीं आ रही है बात, जहां तू बोल रहा है ना, मैं वहीं आ रहा हूं, एक मिनट दे मेरे को बस। सर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी देश की तो नहीं है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसने बनाई, सारे देशों ने मिलके बनाई। अब एक बात बता, एक सिंपल सी बात बोलता हूं, WHO की बात करते हैं हम, इतना कोविड फैला, WHO ने हर कंट्री को पैसे दिए, कभी सोचने वाली बात है WHO के पास आए कहां से। WHO इज अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने उनको सपोर्ट करने के लिए WHO को पैसे दिए और उन्होंने आगे बांटे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी है भाई, UNO है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्या किसी देश की है? नहीं भाई, अभी बताऊंगा खैर उसके बारे में भी। सर नहीं होते ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, ये हमारा मिथ है भाई। अब हर जगह पर आप देखते हो डेमोक्रेटिक कंट्रोल वाली बात है, अब वोट हो रहे हैं बहुत सारी जगह पर, इंडिया भी ऊपर आ रहा है भाई, मेन पोस्ट पर आ रहा है। अभी कल परसों एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, पता नहीं वर्ल्ड बैंक का कोई प्रेसिडेंट, पता नहीं चेयरमैन, इंडियन लेडी बन रही है। अब क्या हो रहा है, पाकिस्तान को और दिक्कत हो रही है, क्योंकि बेटा जो उनको लोन मिल सकता था वो उसकी उम्मीदें और खत्म हो रही हैं, क्योंकि बहुत सारी डिफिकल्ट टर्म्स एंड कंडीशन इंपोज की जा रही हैं। तो हम कैसे कहते बेटा, ये पुराना जमाना था कि हाँ वो बायस्ड होते थे थोड़े से बेटा, लेकिन अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फ्रीली काम कर रही है डेमोक्रेटिक कंट्रोल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। हम तो वो पढ़ेंगे ना जो लीगल है, बात ओके है बेटा, वो पुराने जमाने में होते थे सब काम होते थे भाई। बाबू आते हैं वापसी, इंटरनेशनल वाटर समझ में आया कि इंटरनेशनल वाटर क्या है, क्या इसके राइट बेचे जा सकते हैं बेटा? बेचे जा सकते हैं, ठीक है ना। आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी, इंटरनेशनल वाटर में भी ऑपरेट कर सकते हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से राइट खरीद कर पैसे दे दो, आपको राइट मिलेगा। चलो जी अब वापसी आ रहा हूं बेटा, पहले वर्ड से स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला वर्ड लिखा है फिशिंग वेसल, बेटा वेसल का मतलब अभी मैंने बताया, वो वेसल जिसके थ्रू फिशिंग की जाती है उसे फिशिंग वेसल बोलते हैं। सेकेंड वन ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग, काम की बात, सबसे काम की बात बेटा, ये क्या चीज होती है ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स बेटा। गैस रिग्स
क्या करते हैं बेटा, मरीन में चलते हैं, सीज में चलते हैं, हाई सीज में चलते हैं, हाई सीज में चलते हैं। और बेटा पुराने जमाने में जो रिक्स होते थे वो बेटा पाइप के थ्रू ऑपरेट करते थे, बहुत बड़े बड़े पाइप लगे होते थे, जिसको ये क्या करते थे बेटा, समुंदर के बिल्कुल नीचे जहां पर चट्टाने आ जाती हैं, जहां रेत आ जाती है, वहां चेक करते थे क्या क्रूड ऑयल की कोई पॉसिबिलिटी है क्या। सर ये पुराना जमाना था, नए जमाने में बेटा अब ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग भी सेंसर्स का यूज करते हैं, चलते रहेंगे स्पीड पर, चलते रहेंगे हाई सीज में, और बेटा जहां कहीं बीप हुआ वहां पता लग जाता है कि यहां पॉसिबिलिटी हो सकती है क्रूड ऑयल मिलने की। एक ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग की कीमत 50,000 करोड़ है, सॉरी टू से दिस, इंडिया के पास एक भी अपना नहीं है, पूरे इंडिया के पास एक भी अपना नहीं है, एक दिन का रेंट 1 करोड़ रुपए है। ठीक है जी, समझ में आया ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग क्या होते हैं, और आपको पता भी होगा इसका इस्तेमाल इंटरनेशनल वाटर में होगा ही होगा, अभी कड़ियां जुड़ती चली जाएंगी, अभी तो बात समझो। ठीक है ना, फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म कोई बेटा मतलब स्पेसिफाइड मीनिंग नहीं डिनोट करता, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कुछ भी पानी के ऊपर तैरता हुआ, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, कोई भी चीज जो पानी के ऊपर तैर रही है उसे हम फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं। कहता चाहे फिशिंग वेसल है, चाहे ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग है, चाहे कोई भी चीज पानी के ऊपर तैरती हुई है, अगर उसका ऑपरेटर इंडियन है। सर वर्ड ओन्ड क्यों हटा दिया, काम की बात बता दो अभी से, अगर ये वर्ड ओन्ड लिखा होता ना तो जितनी छोटी कंट्रियां हैं कभी भी बेटा उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी वो जगह बनती ना, क्योंकि इंडिया भी ऑनर नहीं है। आपको सोचो ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग, चलो अभी बाद में बता दूंगा, अभी पहले पूरा कंप्लीट कर दो स्टेटमेंट, यहीं से नहीं फंसाता आपको बेटा। फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, अगर उसको ऑपरेट करने वाला इंडियन है, और ऑपरेट कहां पे हो रहा है बेटा, वो इंटरनेशनल वाटर में, वेयर दे हैव द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन। बेटा एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन समझते हो, एक्सक्लूसिव वर्ड समझते हो, सिर्फ और सिर्फ आपको राइट है, और सिर्फ मेरे को राइट क्यों देगी कि बेटा कोई चीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल वाटर में, सिर्फ और सिर्फ मुझे कैसे राइट मिलेगा। सर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को पे करो, सिर्फ और सिर्फ आपको राइट मिलेगा। आपने पे करा हुआ है एक साइट का, मान लो कुछ 500 किलोमीटर का एरिया खरीदा बेटा, कितने रुपए, करोड़ रुपए रोज के दे रहे हो, तो मिलेगा आपको बेटा उस 500 किलोमीटर में कोई भी ना तो फिशिंग वेसल चला सकता, ना ही ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग चला सकता, ना कोई फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म चला सकता, आपको ही मिलेगा एक्सक्लूसिव राइट। ठीक है ना, अब एक बात सुन लो, मैं एक सिंपल बात बोलता हूं, रिलायंस ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग इंटरनेशनल वाटर में ऑपरेट करा रहा है किसी इंडियन कैप्टन से, ये जगह क्या है, कुछ और नहीं, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्या इंक्लूड कर लो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में, कोई भी फिशिंग वेसल, कोई भी ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग, कोई भी फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, अगर उसको ऑपरेट करने वाला इंडिया का रेजिडेंट है और वो इंटरनेशनल वाटर में है, क्योंकि रिलायंस को एक्सक्लूसिव राइट मिला हुआ है बेटा। अगर सिर्फ और सिर्फ आपको राइट मिला हुआ है क्योंकि आपने राइट खरीदा हुआ है, अगर आप ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया ईईजेड के बाद भी चला रहे हैं बेटा, वो तब भी इंडिया ही है। और आपको पता लग रहा होगा बेटा इंडिया मानने की वजह क्या है, अगर इंडिया मानोगे तो वहां से अगर कोई भी इनकम अराइज होगी तो वो डोमेस्टिक इनकम होगी, बाद में टैक्सेस इंडियन गवर्नमेंट को मिलेंगे। अब मैं काम की बात बोल रहा था बेटा, यहां पर ओन्ड वर्ड नहीं है, क्यों नहीं लगाया ये ओन्ड वर्ड, ये समझदारी की वजह से नहीं लगाया, हमारी सरकारें बहुत समझदार हैं बेटा। देखो अगर ये वर्ड लगाते फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट, तो क्या इंडिया का कोई भी नॉर्मल रेजिडेंट ओन्ड करता है किसी भी ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग को, नहीं करता, तो वो कभी भी जगह इंटरनेशनल वाटर वाली कभी इंडिया माननी जाती, कभी भी इंडिया ना तो माननी जाती, ना ही इंडिया को डोमेस्टिक इनकम में आती, ना ही बेटा इंडियन को कभी टैक्स मिलता। इस वजह से समझदारी से इन्होंने ओन्ड वर्ड लिखा ही नहीं, यहां पर जान के वर्ड सिर्फ ऑपरेटेड लिखा। समझ में आया होगा शायद, अगर मेरी बात को समझ पा रहे हो तो ठीक है ना जी, बात समझ में आई बेटा, अभी तक जो बात बोली कोई दिक्कत कोई परेशानी, दो बातें बोल दी मैंने, क्लियर है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है बेटा, पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ एनी कंट्री एंड इंक्लूड्स शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑन एंड ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन टू और मोर कंट्रीज,
फिर बेटा हमने बात करी फिशिंग वेसल ऑन ए नेचुरल गैस रिग एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट इन द इंटरनेशनल वाटर वेयर दे हैव द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है जी। एंड थर्ड वन, तीसरी बात काम की बात, फिर डज नॉट इंक्लूड पोर्शन पे आएंगे बेटा। डज नॉट इंक्लूड पोर्शन बेटा एक आध मिनट का ही है, ठीक है ना। इंक्लूड पोर्शन बस निभा जाओ। एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। लो प्यारे बच्चों देखना जरा, तीन बातें, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। मैं कहता हूं इंडिया की एम्बेसी, इंडिया का कॉन्सुलेट, इंडिया की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट दुनिया के किसी भी कोने में हो वो इंडिया का ही पार्ट है। बाबू मैं इन दोनों वर्ड पे दो मिनट के बाद आता हूं, इन पे ज्यादा टाइम लगाना है, बात मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की कर लेते हैं। बेटा कभी ना कभी ऐसा सुना है कि आज रशिया और इंडियन आर्मी ने मिलकर इकट्ठे प्रैक्टिस करी, आज सार्क कंट्रीज ने मिलकर इकट्ठे आर्मी ने मिलकर प्रैक्टिस करी, आज इस देश की नेवी, इस देश की नेवी ने मिलकर इकट्ठे ट्रेनिंग ली, आज इसके फाइटर प्लेन, इसके फाइटर प्लेन मिलकर इकट्ठे ट्रेनिंग कर रहे हैं, ऐसी बातें सुनी है बेटा? ये कुछ और नहीं बेटा, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही तो है। मान लो इंडियन आर्मी बेटा कुछ सिलेक्टेड पर्सन गए बेटा रशिया में, रशिया में कैंप लगाया। ये जो आपने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट किसी दूसरी कंट्री में लगाया ना बेटा, ये कुछ और नहीं, इट इज कंसीडर्ड एज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया ओनली। किसी भी देश की एम्बेसी, किसी भी देश का कॉन्सुलेट, किसी भी देश की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट दुनिया के किसी भी देश में क्यों ना हो बेटा, वो उसी देश का पार्ट रहते हैं। वापसी आता हूं एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स पर बेटा। ऑल्दो बहुत सारे लोग इन दोनों में डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन आपको बहुत अच्छे से समझना है बेटा, ठीक है ना। आपका मूवीज देख देख के दिमाग खराब हो चुका है, सच बता रहा हूं आपको। आप ये वर्ड गलती बोलोगे अगर मैं आपसे पूछूंगा तो। बाबू इंडिया की एम्बेसी क्या इंडिया में हो सकती है? इंडिया की एम्बेसी इंडिया में क्या करेगी भाई, ठीक है ना। इंडिया की एम्बेसीज और इंडिया के कॉन्सुलेट्स इंडिया में नहीं होते, बाकी दुनिया के हर देश में है, ठीक है जी। काम क्या होता है इनका और दोनों में बेसिक फर्क क्या है बेटा? गलत बोलने से पहले सुन लो, एम्बेसीज कभी वीजा इशू नहीं करती, क्योंकि हमने हमारे दिमाग में क्या, हमने मूवीज देख देख के अपना दिमाग खराब कर लिया, हमें यही लगता है एम्बेसीज वीजा इशू करती हैं। दो बातें समझ लो बहुत आराम से बेटा, इंडियन एम्बेसी अगर किसी देश में होगी तो हमेशा उस देश की कैपिटल में ही होगी। एम्बेसी सिर्फ एक होती है और सिर्फ उस देश की कैपिटल में होती है। यानी कि अगर मैं बोलूं श्रीलंका में इंडियन एम्बेसी है तो सिर्फ कोलंबो में ही मिलेगी बेटा, और कहीं नहीं मिलेगी। और कॉन्सुलेट्स हर बड़ी सिटी में हो सकते हैं, श्रीलंका की हर बड़ी सिटी में। यानी कि अगर मैं बोलूं किसी और देश की यूएसए एम्बेसी इन इंडिया, तो एम्बेसी इंडिया में यूएसए की सिर्फ और सिर्फ दिल्ली मिलेगी, लेकिन कॉन्सुलेट्स हर बड़ी सिटी में हो सकता है, मे बी इन कलकत्ता, मुंबई, ठीक है ना, हैदराबाद, बेंगलुरु, हर बड़ी सिटी में हो सकते हैं। कॉन्सुलेट्स एक से ज्यादा हो सकते हैं, एम्बेसी हमेशा एक होती है, पहली तो बात ये समझ लो बेटा। और दूसरी बात काम की बात बता दो बेटा, एम्बेसीज का काम वीजा इशू करना नहीं होता, एम्बेसीज का काम होता है बेटा उस देश की गवर्नमेंट के साथ आपके देश की गवर्नमेंट का रिलेशन स्ट्रेंथन करना। यानी कि अगर इंडियन एम्बेसी बेटा कोलंबो में, तो उसका काम कुछ और नहीं, श्रीलंका गवर्नमेंट के साथ बेटा एक बहुत अच्छा एटमोसफेयर क्रिएट करना है बेटा, और इंडिया के साथ बेटा अपनी रिलेशन को स्ट्रेंथन कराना है। और कॉन्सुलेट्स ये करती हैं वीजा इशू, ये क्या करती हैं, ये बेटा वहां के लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं इंडिया में, कि इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटी है, इतना रॉ मटेरियल मिल जाएगा, ऐसी टेक्नोलॉजी मिलती है, ट्रैवल पर्पस के लिए जा सकते हो, ये घूमने की जगहें हैं। तो बेटा ये काम कॉन्सुलेट्स का होता है, समझ में आई बात? दोनों की सिक्योरिटी में कोई अंतर नहीं है बेटा। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं तो बेटा हम सोचते हैं IAS, चलो IPS, ठीक है ना, ये कर लो IFS, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, ठीक है ना। सिक्योरिटी हमेशा बताइए आपको कैसी मिलती है बेटा, कैसी मिलती है सिक्योरिटी पता है? जैसे उस देश के PM को मिलती है, जेट प्लस सिक्योरिटी होती है एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स की, ठीक है ना। और हमेशा बोलता हूँ बेटा, ये बहुत पुराने टाइम से बेटा एक वो प्रथा चलती आ रही है, ठीक है ना। मतलब ये तब की बात बोल रहा हूँ बेटा, राम रावण वाले टाइम की बात, ठीक है ना। हाँ ऐसे ही था भाई, ठीक है ना। जब रावण के दरबार में वो पहुंच गए थे हनुमान जी, तो बेटा कहा गया था ना कि इनको मार देते हैं,
तो क्या बोला गया था, नहीं नहीं ये उनका राजदूत है। राजदूत को मारना मतलब सीधा सीधा युद्ध की घोषणा करना, सीधा सीधा युद्ध की घोषणा करना। तो बेटा ये कुछ और नहीं होते एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स में काम करने वाले लोग, ये डिप्लोमेट्स है बेटा, ये राजदूत है, ठीक है ना। और इनको मारना, अगर आपके देश में कोई राजदूत मर गया, मान लो इंडिया की एम्बेसी या कॉन्सुलेट श्रीलंका में, और बेटा वहां कोई मर गया गलती से भी, तो बेटा इसका मतलब है आपने इंडिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। समझ सकते हो बेटा इस बात को जो मैं समझाना चाह रहा हूं। तो कैसी सिक्योरिटी होती होगी, जैसे उस देश के पीएम को होती है, बिल्कुल वैसी सिक्योरिटी होती है। IFS, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, ठीक है जी, बात ओके। तो बेटा काम की बात यह है, इंडियन एम्बेसी, इंडियन कॉन्सुलेट, इंडियन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, वो इंडिया का ही पार्ट है, ठीक है। एम्बेसी इज कॉन्सुलेट एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रोड, ठीक है जी। अब बेटा बात उठती है डस नॉट इंक्लूड क्या है, पहले बताओ इतनी बात कोई दिक्कत तो नहीं, मुझे कुछ रिपीट करना है तो बता दो, क्योंकि बेटा डेफिनेशन पूरी होते ही मैंने 8-10 पॉइंट आपको देने, आपसे पूछना है किस देश की डोमेस्टिक टेरिटरी, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है जी। एग्जाम्पल अभी बताता हूं बेटा। बाबू एक बात है सिंपल सी सोचने की, आज मान लो बेटा इंडियन एयरफोर्स के कुछ सिलेक्टेड पर्सन जाते हैं बेटा अमेरिका, एक मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट लगाते हैं, और बेटा वहां की जो भी एयरफोर्स के जो सिलेक्टेड पर्सोनल है वो ट्रेनिंग देंगे इंडियन एयरफोर्स के बेटा सिलेक्टेड पर्सोनल को, ठीक है जी। अब बाबू जो आपने वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट लगाया है, जो भी रहने के लिए तंबू बंबू गाड़े हैं, वो सब कुछ और नहीं इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी माने जाएंगे। बाबू कायदे से तो बेटा गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, वो तो कभी भी टैक्स देगी ही नहीं, लेकिन हाँ फिर भी डोमेस्टिक टेरिटरी माना गया, बस आप ये समझ लो वहां से कोई इनकम या राइज होने वाली आपको है क्या चीज। हाँ मिलिट्री बेस को भी कोई लगाने थोड़ी देता है देश, अपने देश में बेस अलग चीज होती है, एस्टैब्लिशमेंट अलग होती है। वो तो हो गया ना पक्का पुक्का घर बना रहे हो आप, चाहे बिल्डिंग बना रहे हो, कौन लगाने देगा आपको देश है लगाए हुए। तो ऐसे हो सकता है ना, देखो जैसे मैं बताता हूं, इक्का दुक्का जगह पे एक एक्सेप्शन के तौर पर एग्जांपल है, जैसे कि अफगानिस्तान नया तालिबान, ठीक है ना, वहां पर US ने लगाया हुआ था मिलिट्री बेस की पीस बना रहे, लेकिन जैसे ही तालिबान आए तो US भी छोड़ के भाग गया सब कुछ। वो एक्सेप्शन है, मतलब कोई परमानेंट वो नहीं है एग्जाम्पल की, जनरल एग्जाम्पल नहीं है वो वहां। अब तो फिलहाल तो खैर बहुत बुरी हालत है वहां पर, ठीक है जी, बात ओके, बढ़े आगे। बाबू करते हैं बात डज नॉट इंक्लूड पोर्शन की, सब सामने देखना बेटा, एक मिनट के लिए सामने देखना बाबू, सेम थर्ड पॉइंट पर डज नॉट इंक्लूड पोर्शन है। कैसे, एम्बेसीज कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री, समझदार को इशारा काफी। देखो मैं बीच के सारी बातें छोड़ रहा हूं, ये और ये बात बोल के बता रहा हूं एक बार आपको, इंडिया क्या है, पूरी इंडिया का ज्योग्राफिकल बाउंड्री इंडिया है, पर वो मत लेना, क्या नहीं लेना, अगर इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर किसी देश की एम्बेसी है ना बेटा, तो ये इंडिया नहीं है। एम्बेसीज कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री, जिस लॉजिक पे इंडिया की एम्बेसी, इंडिया का कॉन्सुलेट, इंडिया के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट दुनिया के किसी भी कोने में हो, इंडिया है। सेम उसी लॉजिक पे अगर बेटा इंडिया के अंदर फॉरेन एम्बेसी, फॉरेन कॉन्सुलेट्स और फॉरेन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, तो बेटा वो फॉरेन का ही पार्ट है। जैपनीज एम्बेसी इन इंडिया इट इज अ पार्ट ऑफ जापान, रशियन एम्बेसी इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ रशिया ओनली, वो इंडिया का पार्ट थोड़ी है बेटा, समझ आई बात ना। इंडियन एम्बेसी, इंडियन कॉन्सुलेट्स, इंडियन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट दुनिया के किसी भी कोने में इंडिया है। सेम लॉजिक पे बेटा अगर फॉरेन के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, फॉरेन के कॉन्सुलेट्स, फॉरेन के एम्बेसी इंडिया में, तो बेटा वो फॉरेन ही है, वो इंडिया नहीं है। क्लियर है बात, देख लो बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी पूछ लो, बढ़ जाए आगे। लास्ट वन बेटा डज नॉट इंक्लूड पोर्शन में लास्ट वन, बाबू लिखने की स्पेस नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं वैसे ही बोल रहा हूं, आपको वैसे ही समझा दूंगा, आप सब सामने देखते रहो।
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO, UNO और बहुत सारी हो सकती है, वर्ल्ड बैंक, जितने मर्जी का नाम ले लो बेटा कोई गिनती नहीं, IMF, बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO, UNO लोकेटेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ एनी कंट्री। बेटा UNO का ऑफिस, WHO का ऑफिस किसी भी देश के अंदर क्यों ना हो, वो कभी भी उस देश का पार्ट माना ही नहीं जाता। ऐसा माना जाता है बेटा ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल एरिया की रेजिडेंट है, किसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी की रेजिडेंट नहीं है, किसी भी देश का नहीं माना जाता। अमेरिका के अंदर UN का ऑफिस अमेरिका नहीं है, इंडिया के अंदर UN का ऑफिस वो इंडिया नहीं है, WHO का ऑफिस साउथ अफ्रीका नहीं है भाई, WHO का ऑफिस ऑस्ट्रेलिया वो ऑस्ट्रेलिया नहीं है बेटा, न्यूजीलैंड में IMF का ऑफिस नहीं है बेटा वो न्यूजीलैंड। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, मैंने कहा बोला डज नॉट इंक्लूड में, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर क्यों ना है, तब भी बेटा वो देश के पार्ट नहीं मानी जाएंगी किसी भी हाल में। क्लियर है बात? तो बेटा घूम फिर के 6 बातें, 1 मींस पोर्शन, 3 बेटा डज नॉट इंक्लूड सॉरी इंक्लूड, और बेटा 2 डज नॉट इंक्लूड। ठीक है जी, एक बार फटाफट से रिपीट करते हैं बेटा, फिर एक बार आप नोट से कंफर्म कर लो, एक बार ठंडे दिमाग से सोच लो, फिर मैं 8-10 पॉइंट आपके लिए लिख सकता हूं जो आपको आइडेंटिफाई करके मुझे देने। ठीक है जी बाबू, डोमेस्टिक टेरिटरी मींस पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री, ठीक है ना, किसी भी देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री वो देश है, एंड इंक्लूड्स शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑन एंड ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्री। अगर शिप्स या एयरक्राफ्ट को बेटा ओन और ऑपरेट करने वाला किसी एक देश का नॉर्मल रेजिडेंट है, तो बेटा चाहे शिप वेसल किसी भी 2 देश के बीच में क्यों ना हो, बेटा वो उसी देश का माना जाएगा जिस देश का वो ऑनर और ऑपरेटर है। ठीक है ना, यानी कि बेटा एयर इंडिया की बात कर रहा था मैं, क्योंकि आपको पता है इट इज ओन्ड बाय एन इंडियन, ठीक है ना, और अगर इसको ऑपरेट करने वाला इंडियन है, चाहे ये फ्लाइट दुनिया के किसी भी 2 देश के बीच में क्यों ना हो बेटा, इट इज कंसीडर्ड एज द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया ओनली। फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट इन द इंटरनेशनल वाटर वेयर दे हैव द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन। बेटा सबसे पहले इंटरनेशनल वर्ड दिमाग में रखो, इंटरनेशनल वाटर क्या है बेटा, 200 न्यूटिकल माइल के बाद का इंटरनेशनल वाटर है। सो फिर लास्ट लाइन दिमाग में रखो, वेयर दे हैव द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन। एक्सक्लूसिव राइट कैसे मिले होंगे आपको, क्योंकि बेटा आपने पैसे देकर खरीदे होंगे एक्सक्लूसिव राइट। तो अगर आपके पास इंटरनेशनल वाटर का एक्सक्लूसिव राइट है, और बेटा फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल गैस या फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म में से एक चीज ऑपरेट करने वाला इंडियन है, तो बेटा वो इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी है, चाहे वो इंटरनेशनल वाटर था। ठीक है जी, फिर तीसरी बात हमने करी, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। एक देश की बेटा एम्बेसीज, कॉन्सुलेट और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट दुनिया के किसी कोने में क्यों ना हो बेटा, वो उसी देश का पार्ट है। सेम लॉजिक पे बेटा डज नॉट इंक्लूड में एम्बेसीज, कॉन्सुलेट एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री बाहर कर देना, और एक और चीज बाहर कर देना, ये आपके देश का पार्ट नहीं हो सकती, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। ठीक है, पक्की बात? चलो एक बार नोट से जरा फटाफट से रीड कर दो बेटा, जिनके पास बुक है संदीप कर वहां से रीड कर दो। हां जी, सेटअप क्यों नहीं करने देंगी, हेल्प नहीं चाहिए आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, आप तो इसलिए सेटअप करने देते हो क्योंकि बेटा वो आपकी मदद करती हैं, वो बस आपके देश का पार्ट नहीं बन सकती। कोई देश ये नहीं कह सकता कि WHO मेरा है, इसमें कमाई गई इनकम मेरी है, लाओ मुझे टैक्स दे दो, वो किसी भी देश का पार्ट नहीं है, यानी कि कहीं पर वो टैक्स देंगी ही नहीं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ रेंट, यार रेंट तो देंगी जगह का, टैक्स की बात है मेन। बेटा इन सारे के सारे 9 के 9 चीजों में आपको यह ढूंढना है कि कौन सी चीज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया है या कौन सी चीज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया नहीं है, ये आपका आज के लिए होमवर्क है। कल आते ही डिस्कस करेंगे बेटा क्या चीज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया है या क्या नहीं है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।